जय भवा बुद्ध। अपने पिता को तुम पर गर्व करने के अवसर प्रदान करते रहना। आपके लिए संदेश आया है युवराज, फारस से। संदेश फारस से? किसका संदेश है? यह संदेश तो बारसिन का है। अलेक्जेंडर ने फारस को 2 युद्ध में पराजित कर दिया और अब जल्दी उसका सामना लड़ाई से होने वाला है। अलेक्जेंडर ने फारस को पराजित कर दिया 2 बार, ये कोई सरल कार्य नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि अलेक्जेंडर के बारे में हमने जो कुछ भी सुना है सत्य है। बारसिंह क्या चाहती है? केवल हमें सूचना देने के लिए? वो हमें ये संदेश कभी नहीं भेजेगी। उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। नहीं पुरु, तुम फारस की सहायता नहीं कर सकते। वो इसी लायक है। जो बुरे वक्त में हमारी सहायता करे उसकी सहायता करना हमारा धर्म है। और क्या बारसिन ने युद्ध में हमारी सहायता नहीं की थी? मैंने उसे वचन दिया है मामाश्री कि आवश्यकता पड़ने पर मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा, और अब उसको मेरी सहायता की आवश्यकता है। तुम्हें जो उचित लगता है तुम करो, परंतु स्मरण रहे तुम सब केवल 4 हो। जितना अलेक्जेंडर के विषय में हमने सुना है वो सुनकर लगता है कि अलेक्जेंडर एक गंभीर संकट है। सुनने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि अलेक्जेंडर अवश्य ही कोई महान योद्धा है, इसलिए मैं भी उससे मिलने को उत्सुक हूं। यदि उसका सामना करना ही हमारा भाग्य है तो यही सही। देखता हूं कि हम दोनों का भाग्य हमें किस ओर ले जाता है। अपने ही वतन के पशुओं का खून किसी खैर मुल्क के बादशाह के चेहरे पर देखकर अच्छा नहीं लगा। उम्मीद है कि तारीख मुझे एक गद्दार की दौड़ पर याद नहीं रखेगी। तारीख वही लिखते हैं जो मैदान जंग फतेह करते हैं मलिका, और मैदान जंग फतेह करने के लिए थोड़ा खून तो बहाना पड़ता है।
आइए, वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। मैसेडोनिया का शाह अलेक्जेंडर, मैंने आपकी सरजमी पर फतह जरूर हासिल की है, मगर मैं आप पर हुकूमत नहीं करूंगा। सही सुना आपने, इस तख्त की असल हकदार मलिका आदा है, जो कि एक लंबे अरसे बाद अपने बाशिंदों से मिलने अपने वतन वापस लौटी हैं। जंग आपने हारी नहीं, अलेक्जेंडर ने जीती है। उसकी वजह अलेक्जेंडर की बहादुरी और ताकत से कहीं ज्यादा उसकी अक्लमंदी थी। हमें कद्र करनी चाहिए उसके जज्बे की। चाहा था तो वो हमारे मुल्क पर कब्जा कर सकता था, मगर यहां भी एक बड़ी सोच दिखाई। आपकी मालिका से छीने गया हक उसे लुटाया, फिर से मुझे मालिका का दर्जा दिया, और ये काम सिर्फ एक बेटा कर सकता है। इसलिए मैं आज अलेक्जेंडर को अपने बेटे की सूरत में कबूल करती हूं। मैं ऐलान करती हूं कि अलेक्जेंडर आपकी मालिका आदा का बेटा माना जाएगा। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। अलेक्जेंडर, इतनी मेहनत से आपने फतह हासिल की, फिर ताज को मालिका आदा के हाथों में देने का मकसद क्या है? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें ताज नहीं वफादारी चाहिए वेस्टियन, और वफादारी ना ही खरीदी जाती है और ना ही किसी पे थोपी जा सकती है। वो लोगों से मोहब्बत जता कर जीती जाती है। अगर मैं मलिका को उसके हक से महरूम रखता तो उसके बाशिंदे बगावत पर उतर जाते, मगर अब वो मलिका के बेटे अलेक्जेंडर के लिए अपने सर कटाएंगे। याद रखना है फेस्टियन, ताकत से झुके सर सबसे पहले बगावत के लिए उठते हैं, मगर जो सर दोस्ती में झुकते हैं वो सबसे पहले कटने को तैयार हो जाते हैं। आज मैं आप सबके सामने
और मां मलिक आदा के सामने ये वादा करता हूं कि बहुत जल्द मैं डराएस को हराकर भारत की ओर कूच करूंगा, और सिर्फ भारत पर ही नहीं पूरे एशिया पर हुकूमत होगी आपके अलेक्जेंडर की। मैं सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे एशिया का शहंशाह कहलाऊंगा। अलेक्जेंडर, ये इतना आसान नहीं है। मतलब? फारस में एक कहावत है कि एशिया का शाह तब तक कोई नहीं बन सकता जब तक वो गॉर्डियन की नामुमकिन गाथ को ना सुझा ले। इस गाथ से जुड़ी घड़ी गॉर्डियस नाम के किसान की थी जो इस शहर का पहला राजा बना और इसका नाम गॉर्डियम रख दिया। उसके बेटे ने इस गाड़ी को रस्सियों से मजबूती से एक खंभे से बांध दिया और तब से आज तक इस घाट को कोई नहीं खोल पाया। एक नजूमी ने कहा था कि जो कोई इस घाट को सुलझा देगा वही एशिया पर हुकूमत करके उसका शहंशाह कहलाएगा। इतने सालों में कई शाह आए लेकिन आज तक फतेह किसी को नहीं मिली। अपने चाहत को पूरी करने के लिए तुम्हें गोरियन की इस घाट को खुलना होगा। अगर ऐसा है तो सबसे पहले वो गांठ ही खोली जाएगी। लाची, मैंने अपना पूरा जीवन झेलम माँ की गोद में व्यतीत किया है और आज देखो वही झेलम माँ मुझे मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा की ओर ले जा रही है। धन्यवाद लाची मेरा साथ देने के लिए। देखा मैंने किस प्रकार सुमेर पीछे हट गया और तुम आगे आ गई। क्या करती? भय जो था कि मेरे बिना तुम तो हार ही जाओगे। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं होगी तो मैं अपना कार्य नहीं कर पाऊंगा। लाची तुम भूल रही हो, फारस अकेले जाने का प्रस्ताव रखा था मैंने महाराज के सामने। तो ठीक है गुरु, चाहो तो तुम अब भी फारस अकेले जा सकते हो। भूलना मत हम तट से अधिक दूर नहीं पहुंचे और वैसे भी मैं एक दस्यु भी हूँ, पट से कूदकर झट से तट पर पहुंच भी जाऊंगी। आज तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा लाची।
अनाथ हुआ, अवश्य वहां उस जंगल में कोई दुर्घटना हुई है। हाँ लाची, हमें उनकी सहायता करनी ही होगी। भाई नौका मोड़ो, हमें देखना होगा कि उस वन में चल क्या रहा है। ये हम कहां हैं ताऊश्री? चलते रहो, स्वयं ज्ञात हो जाएगा। कितना अंधकार है यहां, हमें अपने साथ मशाले लानी चाहिए थी। यहां अग्नि साथ में लाने की अनुमति नहीं। चलते रहोगे तो इस कम प्रकाश में भी देखने का अभ्यास हो जाएगा। समझ आया, ये सारे सर्प वो छोटी कन्या है। कहीं हम उचित समझे कनिष्क, हम विष कन्याओं के संसार में हैं, जिनका विष उस पुरु का नाश करेगा जिसने हमारे जीवन में विष घोल दिया। इस गांड को जो हाथ लगाता है हाथ में चाले पड़ जाते हैं। सैकड़ों सालों से इस गांठ की ललकार को कोई जवाब नहीं दे सका। वो इसलिए क्योंकि ये गांठ मुझे पुकार रही थी। इसे मेरा ही इंतजार था कि एक दिन मैं आकर इस गांठ को खोलूंगा। आज आपके साथ साथ पूरा फारस देखेगा कि अलेक्जेंडर नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाता है।